देखिए कितना अच्छा है, इन्हीं लोग तो ऐसा आए ऐसे। देखिए दोस्तों दोस्तों आज आप लोग को मैं जंगल की वीडियो दिखा रहा हूँ। मैं जंगल में इधर आया हूँ, इधर ये इसका मुखैया बोलते हैं ये लोग, इसका जो है रेंट पे इसको लेके यहाँ पे अपना पिकनिक मनाते हैं दोस्तों। हेलो मदीर के भालक रोहिश, दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहना, आज मैं आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी वीडियो दिखाता हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं अपनी गाड़ी से ही ब्लॉग का स्टार्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी फ़ोन आ गया अर्जेंट में और मैं जल्दी से मोबाइल अपना लेके मैं गाड़ी में ही आ गया हूँ। और मैं अकेला ही जा रहा हूँ गाड़ी पे, ऐसा नहीं है कि कोई साथ में जा रहा है। दोस्तों एक नई बेकरी की जो है फ़ोटो आई है, तो वहाँ से जाके सामान लेके आना है। दोस्तों ये बड़ी वाली लड़की अपने घर से फ़ोन की अभी कि मैं फ़ोटो भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे और जो है लोकेशन, तो जाके सामान लेके आओ। तो वही मैं जा रहा हूँ, ये नई बेकरी कौन सी है मैं भी देखता हूँ, मुझे भी नहीं पता है, तो करीब में ही बेकरी के अंदर लगा है। बेकरी के अंदर जो सलाद भी है, जैतून का है, ये खीरा का सलाद है, जो अपने यहाँ खीरा होता है उसका सलाद है दोस्तों। ये इसमें हर रंग का सलाद यहाँ पे है। और ये देखिए ये ब्रेड का डिजाइन गोल है, इसको काट दिए हैं। सारा बिस्कुट खा रही है। इस बेकरी में मैं पहली बार आ रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं, मैं खुद नहीं देखा था। ये क्रोसान है, इसमें कुछ अंदर मिक्स किया हुआ है दोस्तों। इधर तो वही ब्रेड और समोली है, ये वाला ब्रेड देखिए यहाँ पे कैसे ब्रेड है ये। ये सब लच्छा खा रही है, ये ऊपर क्रोसान है। इधर ये क्रोसान जातर है, इसको अरबी में जातर बोलते हैं, इसमें जातर लगा हुआ है दोस्तों। ये बिस्किट का ही पैकेट है दोस्तों, लगा हुआ है दोस्तों। बहुत रंग का है केक, और इसमें ये इधर ये समोली भी है, इधर ये ब्रेड, ये ब्रेड देखिए यहाँ का, इसमें ये ड्राई फ्रूट लगा हुआ है, बस ये पिस्ता है और कुछ दूसरा कुछ नहीं है। इधर भी ये सब छोटा वाला, ये देखिए डिजाइन में इधर है, ये सब फ्रूट का बिस्कुट है दोस्तों। दोस्तों मैं सामान ले लिया हूँ, मैं चल रहा हूँ अपने रूम पे, और शायद आज कहीं जो है पार्टी है, लोग जाएंगे कहीं का, अगर दिन में है तो कहीं गार्डन में ही जाएंगे दोस्तों ये लोग। दोस्तों अब मैं चल रहा हूँ अपने रूम पे, सामान ले लिया हूँ और मुझे जल्दी से रेडी भी हो जाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं नाश्ता भी नहीं किया हूँ, चल रहा हूँ पहले तो नाश्ता करूँगा, क्योंकि ये सब सामान मंगा रही हैं तो कहीं ये लोग पार्टी में जाएंगी। अगर पार्टी में तो अगर अभी ठंडी है और ज़्यादा उम्मीद है कि गार्डन में जाएंगी। दोस्तों जब सुबह में ये लोग अगर पार्टी करते हैं तो ज़्यादातर गार्डन में ही जाते हैं सुबह सुबह ठंडी के टाइम में, और अगर जौहर के बाद जाएंगे तो ये भी हो सकता है कि कहीं इस तरह रेंट पे लिए हों, उसमें भी जा सकते हैं। अभी तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये है इतना कन्फर्म है कि ड्यूटी है अभी, और आज वेटिंग भी बहुत ज़्यादा रहेगी, 4 से 5 घंटा की वेटिंग रहेगी दोस्तों आज। दोस्तों रात में मैं बहुत लेट हो गया था, मैं 12:30 बजे आया ही था, उसके बाद में अपना भी काम किया, वीडियो एडिटिंग अपलोडिंग किया, उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा उठने में लेट हो गया। और जो मेरे रूम का काम है, जो खाना पीना बनाना, खाना बनाना है, ये सब पड़ा ही रह जाएगा, टाइम ही नहीं है मेरे पास, देखा जाएगा इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलेगी। दोस्तों मैं बेकरी से जो सामान लेके आया था इनका सामान इनके घर पर दे दिया हूँ अंदर, उसके बाद में मैं भी अपने रूम पर आ गया हूँ। अभी मैं अपने रूम की साफ़ सफाई भी कर लिया हूँ, उसके बाद में अभी मैं चल रहा हूँ, सबसे पहले नाश्ता करता हूँ, उसके बाद में फिर टाइम मिलती है तो खाना बनाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों। और मैं कल शाम को पिज़्ज़ा गर्म किया था, तो जो पेपर पे रहता है वो पेपर जल गया था, तो उसका खुशबू बहुत ज़्यादा मेरे रूम में आ रहा है, इसलिए ये सैनिटाइज़र मार रहा हूँ। एग्जॉस्ट फैन भी चालू किया था, लेकिन वो पेपर का जो खुशबू जला हुआ था अभी तक वो निकला नहीं है, थोड़ा बहुत है दोस्तों, ये सैनिटाइज़र मार देता हूँ, ये खुशबू वाला है तो इससे जो है निकल जाता है। और बाकी मैं सैनिटाइज़र हर हमेशा रखता हूँ ये कोरोना के टाइम से दोस्तों अपने रूम पर। मैं चल रहा हूँ नाश्ता करें, नाश्ते में ये चाय है और ये है लेबना जातर, ये इसमें जातर लगा हुआ है, और ये समोसा है, इसमें ये बटर है, ये भी लेबना, सब टोटल लेबना ही है, एक समोसा है बस दोस्तों, ये टोटल जो है शाकाहारी है इसमें सब। मैं अभी खाना बना रहा हूँ, खाने में बना रहा हूँ चने की दाल और लौकी।
लौकी की अरबी में गरा अखदर बोलते हैं और कोहड़ा का भी गरा बोलते हैं दोस्तों। ये लौकी काट के रख दिया हूँ, इसमें चना की दाल पक रही है। भी हम लोग ऊपर जा रहे हैं अभी, देखिए इतना इतना रेत है कि दोस्तों देखिए हम लोग अभी कितना ऊपर आ गए हैं। ये सारा मुखैम जो लगा हुआ है सब ये नीचे लगा हुआ है, हम लोग ऊपर ये पहाड़ी पे आ गए हैं दोस्तों। ये देखिए ऊपर ये पहाड़ी पे गाड़ी चला रहे हैं, पूरा रेत ही है दोस्तों। अभी मैं एकदम पहाड़ी के बीच में हूँ, एकदम देखिए चारों तरफ रेत ही रेत है। मैं आप लोग को इधर दिखा रहा हूँ, ये भाई साहब सामने खड़े हैं, ये बिहार से हैं, बिहार बेगूसराय से हैं। हाँ भाई साहब क्या हाल है? हाँ किधर से हो भाई साहब आप? हाँ इंडिया किधर से हो आप? अच्छा ये इंडिया जम्मू कश्मीर से हैं और ये भाई साहब बेगूसराय से हैं। तो इतना ये हरा दिख रहा है, इसका वजह ये है कि यहाँ पे ऊँट और बकरी नहीं आते। अगर बकरी ऊँट आते तो ये हरा एक भी नहीं दिखता, ये ख़त्म हो जाता दोस्तों। आज इधर जो है सब मैडम लोग आई है पिकनिक बनाने के लिए, जो मुखैम बना हुआ है खेमे का, इसको ये लोग रेंट पे लिए हैं। जो इनकी पिछली परंपरा चली आ रही है, जैसे कि ये लोग जंगल में रहते थे वही ये अपना परंपरा आज भी निभाते हैं। ये जो मुखैम बना हुआ है ये सिर्फ टोटल झाड़ से बना हुआ है, इसका रेंट 2500 रियाल है, यानी लगभग इंडिया का 5000 के ऊपर रेंट है दोस्तों। दोस्तों आवाज़ इसलिए कम निकल रही है क्योंकि इतना पहाड़ी पे आया हूँ और थक गया हूँ दोस्तों। दोस्तों ये देखिए अभी मैं कितना ऊपर पहाड़ी पे आ गया हूँ, देख ये देखिए मैं इधर से आपको इधर से ये रोड दिखा रहा हूँ, रोड कितना नीचे है यहाँ से। और यहाँ पे ये देखिए पीछे छोटी सी गाड़ी दिख रही होगी आपको, वो हल्का हल्का वो गाड़ी ले लेके ऊपर गए हैं, फोर व्हीलर वो पिकअप है उसको लेके गए हैं दोस्तों। और ये इस तरफ भी जो है टोटल पूरा पहाड़ी पहाड़ है दोस्तों। दोस्तों ये जो बच्चे दिख रहे हैं मेरी मैडम के कबीले से ही हैं, यानी कबीला यानी उनका जो परिवार है उनका उनके खानदान से ही हैं दोस्तों। ये सब ऊपर घूमने के लिए आए हैं इधर। ये कैसा टीएमसी का चला रहे हैं रेत में पूरा है। देखिए दोस्तों क्या हाल हाल गाड़ी का बना दिए हैं। देखिए दोस्तों आप लोग का आज मैं जंगल में आया हूँ, जंगल का नज़ारा पूरा दिखा रहा हूँ, कितना यहाँ पे लोग अय्याशी करते हैं। मैं तो सोचा था मैं आज लोग को जो है ऊँट का और बकरी का फोटो दिखाऊंगा, लेकिन ऊँट बकरी मिले नहीं, ये दिखा रहा हूँ। देखिए कितना अच्छा है, इन्हीं लोग तो का आए से। देखिए दोस्तों दोस्तों अभी मैं पहाड़ी से अभी नीचे उतर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ जिधर मेरी गाड़ी है उधर, ये भाई साहब साथ में हैं, अभी मैं इनसे बात करता हूँ थोड़ा। और क्या हाल है भाई साहब? हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से हो आप? हाँ मैं कश्मीर से हूँ। अच्छा कश्मीर से हो, सऊदी अरब में कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 3 साल हो गए। अच्छा 3 साल हो गया। इस घर में कितना टाइम हुआ आपको? इस घर तीन इसमें तीन तीन महीना हो गया। अच्छा इसमें 3 महीना हो गया। और अभी पहाड़ी पे घूम के आ रहे हो, कैसा लग रहा है? मजा बहुत मजा लग रहा है। हाँ जब से हम लोग इधर आए थे यहाँ पे ख्वाहिश पूरी हो गई पहाड़ी पे घूमने के लिए, हमें तो बहुत शौक था इधर घूमने का। हाँ सही है दोस्तों, ये देखिए इधर से दिखा रहा हूँ आप लोग को, वाले और कश्मीर वाले कितना तेज उतर रहे हैं देखिए इधर। तो यही है मुखैम, देखिए खजूर का पत्ता है इसका बना के रखे हैं और ये खेमा लगाए हैं। अब इसी का समझ लीजिए किराया रहता है 2500 सऊदी रियाल। देखिए इधर टोटल में भी आप लोग को दिखा रहा हूँ, इधर पूरा बाथरूम सब कुछ बना के रखे हैं दोस्तों इसमें। तो अभी ये शाम का टाइम है, अभी ये इधर देखिए ये बाइक जो है रेंट पे लेते हैं इधर बच्चों को चलाने के लिए दोस्तों। ये कितना अच्छा नज़ारा अभी इधर दिख रहा है, इधर एक भी जो है आपका सीमेंट और पत्थर का घर नहीं मिलेगा, टोटल ये खेमा लगा हुआ है ऐसा ही, इसको मुखैम बोलते हैं, ये पत्ते का है और ये ऐसा इसका सब बनाते हैं दोस्तों। दोस्तों इधर मुझे तकरीबन 12 बजे तक रुकना पड़ेगा, अभी मैं ये जो इधर ये गेट बना हुआ है, ये गेट है जो बना हुआ है दोस्तों, मैं इधर खड़ा हूँ, मैडम कुछ नाश्ता देने के लिए बुलाई है दोस्तों। ये इधर थर्मस है और इधर ये चाय लेके बैठे हैं, ये है लेमन चाय है दोस्तों पी रहा हूँ। इधर ये कश्मीर वाले भाई साहब इधर से ये सामने ये बैठे हैं, बोलो किधर हो भाई, हाथ उठाओ। हाँ भाई किधर आप, तुम इधर छुप गए हो दिख ही नहीं रहे हो, इधर बैठे हैं, चलो गाड़ी में चल लेके चलिए दोस्तों। इधर ये सब डब्बा बाजार वाले खड़े हैं, सब रेंट बिल इधर देते हैं। बिहारी बाबू आराम आराम से लो, खुदा बहुत रहे हो दोस्त, वो
बोल रहे हैं बिहारी बाबू को जल्दी से मैं गाड़ी पहुंचा दूं अड्डे पे, नहीं तो मामा निकल जाएगी तो बाद में मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आप लोग को बाहर का ही सीन ज़्यादा दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो मैं एक भैया में आया हूँ, इधर बाहर एक खेमा लगा हुआ है, इसी में हम लोग बैठे हैं। इधर कुर्सी लगी हुई है, इधर ये ठंडी में आग जल रही है दोस्तों, इधर ये कार का नज़ारा है। दोस्तों मैं अभी अपने रूम पे आ गया हूँ, अभी तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया आके। और दोस्तों वहाँ पे जहाँ पे गया था मुखैम में, बहुत अच्छा नज़ारा वहाँ का था, बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों जितना हो सका मैं उतना वीडियो बना लिया, ज़्यादा अंदर की वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि सारे जितना मुखैम था जो उसका झाड़ का गेस्ट हाउस बनाए थे उसमें, उसको अरबी में मुखैम बोलते हैं, तो अंदर टोटल जो है लेडीज रहती हैं, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैं पहाड़ी के ऊपर गया, वहाँ की वीडियो रेत की बनाया जो जितना हो सका। दोस्तों आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।